आप सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको याईर की बेटी के जिलाए जाने के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको मरकुस और लुका के सुसमाचारों में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह गिरासेनियों से एक दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को चंगा करके कफरनहूम लौटे। तब जैसे ही वह नाव से उतरे, तब एक बड़ी भीड़ उनके पास इकट्ठा हो गई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के कामों की प्रशंसा दूर दूर तक पहुंच चुकी थी और लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तब याईर नामक एक मनुष्य था जो आराधनालय का सरदार था, प्रभु यीशु के पास आया और उसके पैरों पर गिरकर उससे विनती करने लगा कि हे प्रभु, मेरी इकलौती बेटी जो सिर्फ 12 वर्ष की है और वह बहुत बीमार है, यहाँ तक कि मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख ताकि वह चंगी हो जाए। प्रियो, यहाँ पर हम याईर नामक एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं जो कि आराधनालय का सरदार था। उस समय आराधनालयों में प्राचीनों का शासन था जिनके पास पद थे, तथा यहूदी लोग इन प्राचीनों अर्थात सरदारों का बहुत सम्मान करते थे। कहने का मतलब यह है कि याईर हैसियत में एक बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मान प्राप्त व्यक्ति था। लेकिन जब उसकी बेटी बीमार हुई तो वचन में लिखा हुआ है कि वह प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उनके पाँव में गिर गया, जिसका अर्थ है कि उसने अपने आप को पूरी तरह से दीन बना लिया और यीशु के सामने झुक गया। प्रियो, याईर की एकमात्र बेटी थी जो लगभग 12 वर्ष की थी और वह मरने वाली थी, जिसके कारण याईर हताश हो चुका था। यह स्पष्ट है कि याईर, जो कि एक सरदार था, उसने अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए कफरनहूम और उसके आसपास के सबसे अच्छे वैद्यों को बुलाया होगा और अपनी बेटी को ठीक कराने के लिए बहुत से उपचार कराए होंगे, लेकिन कुछ भी सफल नहीं हुआ। उस समय उसकी एकमात्र आशा प्रभु यीशु मसीह ही थे। यीशु ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो याईर की आवश्यकता को पूरा कर सकते थे। प्रियो, हमें भी अपने जीवन में यह ध्यान रखना है कि हमारी एकमात्र आशा सिर्फ यीशु ही है। हम चाहे पद में कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, दुनिया की दौलत भले ही हमारे कदमों में क्यों ना पड़े, हम चाहे कितने भी प्रतिष्ठित या सम्मान पाए हुए व्यक्ति क्यों ना हो, प्रभु के पास आने के लिए हमें अपने आप को दीन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन में यह लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर यहोवा दीनों पर अनुग्रह करता है। इस सरदार ने भी अपना पद, अपना सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा प्रभु के चरणों में डाल दी और अपने आप को प्रभु के सामने दीन बनाया। इसलिए प्रियो, प्रभु के पास आने से पहले हमें अपने आप को दीन बनाना बहुत जरूरी है। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि जब याईर प्रभु यीशु मसीह से विनती कर ही रहा था कि तभी याईर के घर से किसी ने आकर उसे कहा कि तेरी बेटी मर गई है, अब क्यों प्रभु को दुख देता है। जब यीशु मसीह ने यह सुना तो उसने याईर को उत्तर दिया कि मत डर, केवल विश्वास रख। तब प्रभु यीशु याईर के साथ उसके घर गए और उन्होंने पतरस, याकूब और यहूना को छोड़ और किसी को अपने साथ न आने दिया। जब वह याईर के घर पहुंचे तो उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब प्रभु यीशु ने याईर के घर में जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो, लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है। तब वहां खड़े लोग प्रभु यीशु मसीह पर हंसने लगे, परंतु प्रभु यीशु ने लड़की के माता पिता और अपने साथियों को छोड़ के सबको बाहर निकाल दिया और वहां गए जहां लड़की पड़ी थी। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़की का हाथ पकड़कर आरामी भाषा में उससे कहा, तलिता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब जैसे ही प्रभु ने उससे उठने के लिए कहा, वैसे ही वह लड़की तुरंत उठ गई और चलने फिरने लगी। तब प्रभु ने उसके माता पिता से कहा कि उसे कुछ खाने को दो। इस पर उसके माता पिता बहुत चकित हुए। फिर उसने उन्हें यह चिताया कि यहाँ जो हुआ है वह किसी से ना कहना। प्रियो,
अब कुछ बातें हैं जो हम इस घटना से सीख सकते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जब याईर प्रभु यीशु से अपने घर चलकर उसकी बेटी को चंगा करने के लिए कहता है, तो उसी समय उसके घर से एक व्यक्ति आकर कहता है कि तेरी बेटी मर चुकी है, इसलिए अब प्रभु को दुख मत दे। प्रियो, याईर को प्रभु यीशु पर बहुत विश्वास था, इसलिए वह अपने पद या प्रतिष्ठा का ख्याल न रखते हुए प्रभु के पैरों में गिर जाता है और उससे विनती करने लगता है। लेकिन उसी समय एक व्यक्ति ने उसके पास एक ऐसी खबर दी जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। उस व्यक्ति ने याईर के पास आकर उससे कहा कि तेरी इकलौती बेटी जिससे तू प्रेम रखता है वह मर गई है। प्रियो, अब आप याईर की जगह अपने आप को रख कर देखिए। जब याईर को यह समाचार मिला होगा कि उसकी बेटी नहीं रही, तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। उसे आशा थी कि प्रभु उसके घर चलकर उसकी बेटी को ठीक कर देंगे, लेकिन अब वह मर गई है। एक बुरे समाचार ने उसकी सारी उम्मीद पर पानी फेर दिया। प्रियो, हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा ही होता है। जब कभी हम किसी मुसीबत या परेशानी में होते हैं और हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे हाथ से सब कुछ जाने वाला है, तब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें डिस्करेज करते हैं। प्रियो, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि जब उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता और कोई उन्हें जब डिस्करेज करता है, तो वह अपनी आशा को खो देते हैं और प्रार्थना करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन प्रियो, हम देखते हैं कि जब प्रभु ने यह सुना कि उसकी बेटी मर गई है, तो प्रभु ने उससे कहा कि मत डर, केवल विश्वास रख। तो प्रभु के यह शब्द याईर को ढांढस देने वाले शब्द थे। प्रभु ने इस शब्दों के द्वारा याईर को हौसला दिया कि उसे डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही उसे चिंता करने की जरूरत है। उसे बस विश्वास रखना है, क्योंकि वह जिसके पास आया है वह कोई मामूली इंसान नहीं है। वह सारी सृष्टि का रचयिता और जीवन देने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। प्रभु यह चाहते थे कि याईर का विश्वास ना टूटे और वो निराश ना हो। प्रियो, हमारे दुख के समय में हमें भी ऐसे ही शब्दों की आवश्यकता होती है जो हमारा हौसला बढ़ाए और हमें हिम्मत दे और हमसे कहे कि मत डरो, केवल विश्वास रखो। ध्यान रखो प्रियो, यह शब्द सिर्फ आपसे प्रभु ही कह सकते हैं, क्योंकि मनुष्य तो निराश करने वाले होते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ही आशा के दाता हैं। उस पर विश्वास करने वाले लोग और उसकी ओर देखने वाले लोग कभी भी लज्जित नहीं होते हैं। प्रियो, यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 41 अध्याय के 10 वचन में यह लिखा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। प्रियो, बाइबल में यह प्रतिज्ञा हमें परमेश्वर के द्वारा दी गई है और परमेश्वर हमसे बार बार यही कहते हैं कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की बात को ना सुनकर लोगों की बातों की तरफ ध्यान देने लगते हैं और छोटी छोटी बातों के कारण हम निराश हो जाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए प्रियो, कि लोग सिर्फ आपको दुख दे सकते हैं और निराश कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ परमेश्वर ही है जो ना सिर्फ तसल्ली देता है, बल्कि वह हमारे दुख और परेशानियों को दूर भी करता है, जैसा कि प्रभु ने याईर के साथ किया। याईर को जब उसकी बेटी की मृत्यु का समाचार मिला होगा, तो वह बहुत दुखी हुआ होगा, लेकिन प्रभु ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि मत डर, केवल विश्वास रख। तब प्रभु यीशु मसीह ना सिर्फ उसे तसल्ली देते हैं, बल्कि वह याईर के घर जाते हैं और उसकी बेटी को जीवन दान देते हैं। एक और बात प्रियो, जो हम इस घटना में देखते हैं, कि जब प्रभु यीशु याईर के घर जाते हैं, तो वह अपने साथ पतरस, याकूब और यहूना को लेते हैं और बाकी चेले वहीं रहते हैं। गतसमने के बाग में प्रार्थना के लिए भी प्रभु यीशु अपने इन तीनों शिष्यों को ही ले जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या प्रभु बाकी चेलों की अपेक्षा इन तीनों चेलों से ही ज्यादा प्यार करते हैं, या फिर प्रभु बाकी चेलों के साथ पक्षपात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं प्रियो, प्रभु यीशु अपने सभी चेलों से समान रूप से प्यार करते थे और वो पक्षपात भी नहीं करते थे,
लेकिन कुछ विशेष स्थानों पर सिर्फ इन तीनों शिष्यों को लेकर जाने का कारण यह था कि बाकी चेलों की अपेक्षा इन तीनों चेलों में प्रभु के प्रति विश्वास और प्रेम अधिक था और प्रभु यीशु इन तीनों शिष्यों को तैयार कर रहे थे ताकि वह उस कलीसिया का नेतृत्व कर सके जो प्रभु के पुनरुत्थान के बाद बनने वाली थी। पतरस वह था जिसके भाषण से 3,000 लोगों ने मन फिराया। याकूब वह था जो सबसे पहले प्रभु यीशु के लिए शहीद हुआ और यूहन्ना वह था जो अंत में होने वाली बातों को देख व लिख सका। प्रभु अपने महान उद्देश्यों के लिए इन तीनों शिष्यों को तैयार कर रहे थे। यही कारण था प्रभु कुछ विशेष स्थानों पर पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर जाते थे। तब हम इस घटना में यह भी देखते हैं कि जब प्रभु यीशु याइर के घर पहुंचे तो उन्होंने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा कि तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। प्रियो, याइर के घर का वातावरण रोने बिलखने का था। उसका घर मातम से भरा हुआ था, लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि तब भी प्रभु यीशु ने उन्हें विश्वास से भरे हिम्मत देने वाले शब्द कहे कि वह मरी नहीं है परंतु सो रही है। प्रियो, यहाँ हम यह सीख सकते हैं कि जब हम मुश्किलों में हों या दुख का पहाड़ हम पर टूट पड़ा हो या हम बीमार हों तो भी हमें अपने मुख से सकारात्मक वचनों को ही कहना है। दुख में, बीमारी में या तकलीफों में प्रभु के वचनों की घोषणा करें, सकारात्मक बातों को बोलें, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे या बोलेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि आपके द्वारा घोषणा किए जाने वाले वचनों में सामर्थ्य है। जब आप नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक बातें बोलोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी अच्छी बातों को होने देगा। जब भी आप बीमार हो तो यह ना बोले कि मैं ठीक नहीं हो सकता, बल्कि यह घोषणा करे कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, आप जरूर ठीक हो जाओगे। जब आप मुसीबत में हो तो यह बोलिए कि मेरा परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला और छुटकारा देने वाला है, मैं इस विपत्ति से जल्द ही बाहर आ जाऊंगा। ऐसी घोषणाएं आपको हर नकारात्मक परिस्थितियों में करना है ताकि आपके विश्वास के द्वारा आपका छुटकारा हो सके। तब हम यह भी सीखते हैं प्रियो, जब प्रभु याइर के घर में आए तो उन्होंने उस लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलिता कूमी, अर्थात हे लड़की उठ जा, और वह लड़की उसी घड़ी जीवित हो गई और चलने फिरने लगी, जो हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु मृत्यु पर भी अधिकार रखते हैं। प्रभु यीशु ही जीवन है। आज जो लोग पाप में मरे हुए हैं उन्हें प्रभु यीशु की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही उन्हें जीवन दे सकते हैं। प्रियो, प्रभु के कहने मात्र से याइर की लड़की जीवित हो उठी, क्योंकि प्रभु के वचनों में सामर्थ्य है। प्रभु का वचन जीवन देने वाला वचन है। सृष्टि की रचना में भी हम प्रभु के वचन की सामर्थ्य को देखते हैं कि प्रभु ने कहा और वैसा ही हो गया। आज भी प्रभु का वचन ऐसे ही काम करता है। आज भी प्रभु का वचन हर दिन लाखों लोगों को जीवन दे रहा है और प्रभु आज भी अपने सामर्थ्य के द्वारा लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है, जैसा उसने याइर की बेटी के जीवन में किया। अंत में प्रियो, मैं बस आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन की हर परिस्थिति में प्रभु यीशु पर विश्वास रखें, क्योंकि वही है जो आपकी सहायता कर सकता है। आशा करती हूँ प्रियो, याइर की बेटी के जीवित होने की इस घटना के संक्षिप्त विवरण से आपको आशीष मिली होगी। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।